फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद गिरु। आज हम पढ़ेंगे एवरेज एनर्जी चैप्टर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन कि जो रेशियो है एजेस ऑफ ए एंड बी का, चार साल पहले वो है, हमने मान लिया 5:3 था तो 5x 3x, ठीक है, ये क्या था, चार साल पहले का। अगर प्रेजेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, चार जुड़ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। फिर इसने बोला सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी सी, तीनों का जो प्रेजेंट एजेस का सम है वो 80 ईयर्स है, और अगर प्रेजेंट एज जो सी की है ना, वो दोनों के जो प्रेजेंट एज है उसका सम हो ए और बी का, तो कितना हो गया, 5 और 3 8 और 4 4 8। ओके, तो तीनों का अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, किसके बराबर रखेंगे, 80 के। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसने पूछा है कि ए की प्रेजेंट एज क्या है, तो ए की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 5 चौक 20 4 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी 2 ईयर्स एगो, ठीक है, पी की तो 2 साल पहले और आर की दो, हंस का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है, तो 2 साल बाद कितनी है, 1:2 के रेशियो में है, ठीक है, एज, और क्योंकि प्रेजेंट एज है ना वो कहता है कि 25% ज़्यादा है पी की प्रेजेंट एज से, ठीक है, तो पी की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी भाई, एक्स प्लस 2, और इसकी आर की प्रेजेंट एज आ जाएगी 2x-2, प्रेजेंट में जाने के लिए पीछे जाएगी, आगे आएगा, और जो पी की प्रेजेंट एज है उससे क्यू की प्रेजेंट एज 25% ज़्यादा है, 25% मतलब 1/4, तो 4 से 1 ज़्यादा मतलब 5/4, किससे, पी से। फिर इसने बोल दिया एवरेज प्रेजेंट एज वो पी एन आर, पी और आर की जो एवरेज प्रेजेंट एज है ना वो 39 ईयर है, मतलब पी और आर डिवाइड बाई 2, एवरेज क्या होता है, टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ जो, तो यहाँ पे 2% थे 39 था, तो पी आर मतलब टोटल आ गया 78, और दोनों का सम करेंगे तो यहाँ से आ गई, मतलब 2 और 1 3x, और 2 से 2 कैंसिल, मतलब 3x की वैल्यू 78, x की वैल्यू आ गई 26, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास तीनों की एज आ जाएगी। इसने पूछा क्या हमसे, डिफरेंस बताना है पी की एज 5 साल बाद और आर की प्रेजेंट एज, तो आर की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी भाई, एक्स हमारे पास 26 52 52, मतलब 50 आ गई, और पी की एज हमें बतानी है 5 साल बाद, तो देखो पी की एज प्रेजेंट की तो आ गई हमारे पास एक्स प्लस 2 करेंगे तो मतलब 26 और 2 28, और 5 साल बाद 28 और 5 33, तो इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है, तो 17 साल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया गया है कि एवरेज वेट ऑफ ए क्लास है ना 60 kgs है, और एवरेज वेट ओनली बॉयज़ का है वो 80 kgs है, और बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो हमें दे रखा है 5/4, और टोटल जो बच्चे हैं वो 72 है, तो मतलब बॉयज़ हमारे 40 आ गए और 32, कैसे डिवाइड करते हैं मैम, 5/4 9 9 7 9 8 72, अब 8 आ गए एक की वैल्यू, तो मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें पता चल गया कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स हैं, तो टोटल बच्चे हैं तो वहाँ से टोटल आ जाएगा 60 × 72 करेंगे तो टोटल कितना था, और बॉयज़ का भी आ जाएगा 80 एवरेज था और 40 लड़के थे, तो ये आ गया। इसने पूछा हमें एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, तो टोटल जो है उसमें से अगर बॉयज़ का घटा देंगे तो गर्ल्स आ जाएंगी, उसको नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा एवरेज। फोर्थ में दे रखा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर है ना वो 12x और 11x है, 12 साल बाद रेशियो 15 और 14 हो जाता है, ठीक है, तो क्या बोला इसने, फिर आगे एज ऑफ फादर है ना 22 साल ज़्यादा है सन से, ठीक है, मतलब फादर, देखो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे भाई, देखो कितना ऐड हो रहा है 3, कितना ऐड हो रहा है 3, लेकिन बोल रहा है 12, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास है ना जो प्रेजेंट एज आ जाएगी 12 चौक 48 और 11 चौक 44, फादर और मदर की। अब इसने बोला फादर तो 22 साल बड़ा है बेटे से, तो बेटे की एज कितनी आ जाएगी, 48 में से 22 घटा दिया, और मदर है ना 20 साल बड़ी है बेटी से, तो मदर की एज में से 20 साल घटा दिया, तो वहाँ से बेटी की आ गई। इसने बोला था सन और डॉटर की एज का सम, तो वो हम बता देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है रवि और स्नेह है ना शादी करते हैं 10 साल पहले, और उस टाइम पे उनकी एज का जो रेशियो था ना वो 5x 4x था, एट प्रेजेंट उनकी एज का जो रेशियो है वो 7:6 है। ओके, तो ये 10 साल पहले था तो 10 ऐड कर देंगे, मतलब प्रेजेंट आ गई हमारे पास प्रेजेंट का, लेकिन रेशियो तो हमारा 7:6 है, तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ से हमारे पास प्रेजेंट एज और 10 साल पहले की एज आ गई मैरिज टाइम की। अब इसने बोल दिया इनके 7 बच्चे हैं, एक ट्रिपलेट है, एक ट्विन है, एक 6 और 1 7, मतलब 7 बच्चे ना ट्रिपलेट, मतलब एक साथ 3 हुए हैं, एक बार 2 जुड़वा हुए हैं, फिर 6 और 7, तो ये दे रखा, तो हमने वाई की फॉर्म में मान लिया। अब इसने बोला था मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो पॉसिबल वैल्यू मतलब हमें है ना ऐसे वैल्यूज लेनी है इनकी बच्चों की कि है ना वो मैक्सिमम एज हो जाए, क्योंकि हमारे पास है ना रवि और स्नेह आगे तो आ गई, देखो अगर हम डबल कर दें इनका तो डबल मतलब 8 6 4 और भी मैक्सिमम कर सकते, क्योंकि इसने मैक्सिमम तो हमने कर दिया, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 3 4 = 12, ठीक है, 1 मिनट 12 नहीं आएगा, 3 गुना करेंगे 6 × 3 = 9,
और ये 3 गुना करते हो 6 और ये 3, लेकिन ये 12 नहीं हो सकता क्योंकि उनकी शादी तो 10 साल पहले हुई है, तो आज एक बच्चे की 12 कैसे हो सकते, मतलब नॉट पॉसिबल। तो ये एज आ गई इनकी, तो 8 एक बच्चे की ट्रिपलेट में, तो 3 कितने 24, 6 एक की है तो 2 की कितनी 12 और 4 और 2, तो मतलब टोटल ये आ गई हमारे पास एज, ठीक है कितनी 42। फादर और मदर की हमें दे रखी थी, तो फैमिली की प्रेजेंट में एज कितनी आ गई 107 साल। ओके सिक्स का दे दिया, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू है ना वो हमारे पास है 5x 4x 4 साल पहले, ठीक है 4 ईयर्स एगो। प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 4 4 जोड़ देंगे। इसने बोला आफ्टर 12 ईयर सम ऑफ देयर एजेस, 12 साल बाद अगर उनकी एज का सम देखो, 12 साल बाद 68 है तो 12 साल से पहले निकालेंगे 2%, तो बाद में 24 घटा देंगे तो मतलब 44 आ गया, तो 44 किसके बराबर है इन दोनों के सम के बराबर है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पी की भी प्रेजेंट एज आ जाएगी और क्यू की भी। इसने बोला है कि हमें पी की 2 साल पहले की बतानी, तो पी की प्रेजेंट एज अगर 24 है 2 साल पहले मतलब 2 घटा देंगे मतलब 22 साल आ जाएगी। ओके फिर इसने बोला सुरेश की शादी होती है 14 साल पहले, ठीक है और इसकी प्रेजेंट एज है ना 3/2 टाइम्स है उसकी मैरिज का, हमने माने मैरिज एज 2x थी जो बेस में है और प्रेजेंट एज 3x है, तो इनका जो डिफरेंस बताया ना कि कहते हैं 14 साल बताया है, तो 14 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14, 14 आ गई तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेजेंट एज पता चल गई हमें 42। इसने पूछा क्या है हमें इफ इस सन एज इज 1/2, तो मतलब उसके बच्चे की एज है ना उसकी प्रेजेंट एज का 1/3 है, तो मतलब 42 मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे तो 14 साल उसके बेटे की एज आ गई। 8th में बोल रखा है, एक मिनट, 8th में बोल रखा है कि ए है ना 6 साल छोटा, यंगर का मतलब होता है छोटा है बी से, तो मतलब बी माइनस एज इक्वल टू 6 आ गया। और प्रेजेंट एज ऑफ बी टू सी भी हमें दे रखा है 12:5 का, ठीक है और रेशियो ऑफ द ए ओ टू सी भी दे रखा है मतलब 1:2 का, तो ये जो जगह खाली थी यहाँ पे साइड वाला नंबर फिल किया तो यहाँ से हमें इनका रेशियो पता चल गया, लेकिन बी और ए का डिफरेंस तो हमें पता है 6 साल, तो मतलब लेकिन यहाँ पे तो 2 साल है तो 2x है, 2x इज इक्वल टू 6 तो x की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास तीनों की एज आ सकती है। इसने बी की पूछी तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की हमारी 12x 12 में 12 में 24 थी 36, तो 36 हमारा आंसर आ गया। 9th हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि अमित की जो प्रेजेंट एज है ना वो 75% है बिन्नी की एज का, और जहाँ बिन्नी की एज का और जो प्रेजेंट एज वेयर जो प्रेजेंट एज है चिंटू की वो 5/8 है बिन्नी की एज, तो 8 आ रहा है, हमने 800x मान लिया, इसका 75% हमारा किसकी अमित की एज आ गई और चिंटू की एज 5/8 है इसका, मतलब ये 500 आ गया, मतलब इन तीनों की एज आ गई हमारे एक्स की फॉर्म में आ गई। इसने बोल दिया अगर डिफरेंस जो चिंटू और बिन्नी है इनकी एज का और जो बिन्नी है ना अमित है उनकी एज का वो 6 साल है, तो देखो चिंटू और बिन्नी और बिन्नी और अमित की जो इन की जो डिफरेंस है ना वो हमारा 6 साल है, तो हमने निकाला इनका डिफरेंस, तो यहाँ से हमारे पास 100x = 6 एक्स की वैल्यू आ गई 6/100। इसने पूछा क्या है हमसे, देन फाइंड एवरेज एज ऑफ 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद इन सब की एज बताने, तो देखो पहले तो हमने नॉर्मल ही मल्टीप्लाई किया तो वहाँ से ए बी सी इन तीनों की प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है प्रेजेंट एज का सम आ गया 114, ठीक है ईयर्स, और एवरेज कितना है हमारा 38 साल प्रेजेंट का, लेकिन 2 साल बाद पूछा तो एवरेज में 2 साल जोड़ दो तो 40 ईयर इनका 2 साल बाद का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 10th का, इसने बोला कि माय सिस्टर वाज बोर्न 26 ईयर आफ्टर माय मदर वाज बोर्न, मेरी मतलब बहन है ना वो मेरी मम्मी के पैदा होने मतलब मेरी मम्मी के 26 साल बाद पैदा होती है, और मैं 28 साल बाद फादर के पैदा होने के बाद, और जो प्रेजेंट एज है ना फैमिली की वो 32.5 है, मतलब 4 मेंबर हो गए, 4 मेंबर हो गए तो टोटल एज हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करके 130 साल, ऐसे फिर बोलते हैं 3 साल बाद बहन की शादी हो जाती है तो मेंबर हो गए 3 और एवरेज हो गए 41, तो टोटल 123 साल होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, हमने मान लिया फादर की एज एक्स है मदर की एज वाई है, तो सन की क्या है भाई, वो 28 साल बाद पैदा हुआ था पापा से, तो एक्स माइनस 28 और बेटी 26 साल बाद मतलब वाई माइनस 26, तो इन चारों की एज एक बार तो 130 है, तो वहाँ से एक्स प्लस वाई आ गया 92, एक बार 3 की एज 123 है तो वहां से भी हमारे पास 2x प्लस y आ गया 142। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया तो x की एज 50 y की एज 42। ने मदर की पूछी मदर कौन थी, 42 मतलब y थी, तो 42 साल हमारी मदर की एज आ गई, आंसर आ गया 42। 6 साल पहले जो रेशियो है एज ऑफ कुणाल टू सागर है ना वो है 6x 5s, 4 ईयर हंस है ना रेशियो हो जाता है कुणाल टू सागर 11:10, तो प्रेजेंट आ गया 6 साल जोड़ दिया क्योंकि 6 साल पहले का, तो प्रेजेंट मतलब 4 ईयर हंस लेंगे तो मतलब 4 साल और जोड़ने की आ गया, इनका रेशियो हमें दे ही रखा है 11:10 को, तो इसके इक्वेट किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 2। इसमें बोल जाए सागर की प्रेजेंट है, तो सागर की प्रेजेंट कितनी होगी 5x प्लस 6 में 2 को पुट कर देंगे तो यहाँ से 10 साल हमारा आंसर आ गया। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रहीम है 1x और 3x है, ठीक है 10 साल पहले, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा 10 10 जोड़ दिया, फिर कहता है कि 5 साल बाद उनका रेशियो वही 5 साल और जोड़ देंगे इसमें और ये आएगा, इसकी रेशियो हमें दे रखी है 2 3, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई
प्रेजेंट एज पूछिए तो हम आसानी से पुट करके यहाँ से प्रेजेंट एज का रेशियो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 का कि 4 ईयर है और जो एज है ना ए और बी की वो 3x और 4x है और एवरेज प्रेजेंट एज ए बी सी तीनों की 26 साल है, तो टोटल कितनी आ जाएगी 78 साल, ठीक है। और फिर इसमें सी 11 साल छोटा है बी से, तो प्रेजेंट एज निकालें क्योंकि ये 4 साल पहले की है, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी 3x प्लस 4, 4x प्लस 4। और है ना जो सी है वो 11 साल छोटा है बी से, तो 4x प्लस 4 में से 11 घटाएंगे तो मतलब 4x माइनस 7, तीनों की प्रेजेंट एज आ गई और तीनों की प्रेजेंट एज का सम भी है, इक्वेट कर देंगे 78 के से, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। एक्स की वैल्यू आ गई 7, इसने बोला आगे हमसे प्रेजेंट एज बी की क्या होगी, एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 7 है तो बी की प्रेजेंट एज में यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गई 21 साल, ठीक है। 14 में दे रखा है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी इज 8x और 5x एंड द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी टू सी, मतलब बी और टी का सम आ गया 70 साल। अगर 5 साल पहले जो ए और बी है ना उसका सम हमारा 55 था मतलब 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा भाई, 5 दोनों 10 जोड़ देंगे मतलब 5 साल पहले, तो 5 ए का 5 बी का तो मतलब 10 जोड़ दे तो 65 आ गया प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट तो इनका कितना देर का 13x को इक्वेट करेंगे 65 के, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए का भी एज आ गई बी की भी एज आ गई। फिर इसने पूछा क्या डिफरेंस बताना है ए और सी की डिफरेंस, मतलब देखो बी की एज आ गई तो बी की एज यहाँ पे पुट करोगे तो सी की एज आ जाएगी, सी और ए का डिफरेंस बताना है तो 40 और 45 का डिफरेंस कितना आएगा 5 साल। 15 में दे रखा है कि रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स लेटर इज, कहता है कि जो एज है ना रेशियो ऑफ एज ए और बी का वो 4 साल बाद और इतना है, तो 4 साल बाद है तो हम पहले जाएंगे 4 साल से 4 साल घट जाएगा। एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, तो ये एवरेज है तो टोटल कितना हो जाएगा इसका डबल, ठीक है 2% है, तो डिफरेंस बताना है ए और बी का। तो देखो हमारे पास सम है 94 तो सम करेंगे इसकी इक्वेट 6 आ जाएगा, दोनों की एज आ जाएगी प्रेजेंट, अभी तो डिफरेंस बताना है। डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, तो बस इनका सीधा डिफरेंस लेके फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले एक ही निकालो फिर बी की एज निकालो फिर दोनों का डिफरेंस ले लो, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16 में दे रखा है एवरेज ऑफ द वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 45 गर्ल्स इज 53, टोटल हो जाएगा 53 मल्टीप्लाई 45। फिर ऐसे ही आगे इसने बोल दिया, इट बाद में ये पता चला कि दो गर्ल्स है ना उनको हमने गलत पढ़ लिया, मतलब 49 kg 57 kg पढ़ी इंस्टेड ऑफ ए के स्थान पर, मतलब 45 और 52 लेना था लेकिन हमने ले लिया 49 और 57, तो हमने क्या किया जो ले लिया ना उसको तो घटा दिया जो गलत थे और जो लेना था उनको ऐड कर दिया टोटल में, और जो जितने भी गर्ल्स थे उनसे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट एवरेज आ जाएगा, ठीक है। 17 में देखा है अगर डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू है ना वो 3 साल है और रेशियो है ना पी और क्यू का वो 5x और 4x है, ठीक है। तो देखो डिफरेंस है दे रखा है, वैसे डिफरेंस कभी नहीं बदलता, तो मतलब x की वैल्यू हमारी 3 है तो यहाँ, और इसने प्रेजेंट एज के लिए बोल क्योंकि 3 साल बाद की थी तो हमने घटा दिया पीछे चले गए, प्रेजेंट भी इतने आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी 3, x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो प्रेजेंट एज आ गई p की 12 साल, तो p की 2 साल बाद पूछे तो 12 और 2 14 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 35, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 35 मतलब 350। फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज है तो मैंने टोटल करना है तो 40 मल्टीप्लाई 5 200, लास्ट 3 का भी एवरेज है 22, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 66। इन दोनों के सम को अगर टोटल में से घटा देंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा 2 नंबर रिमेनिंग उनका सम, उनका हमें एवरेज पूछा है तो 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा 42। 19 में देखा है रेशियो द प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी इतना है, ठीक है, और सी इज 4 ईयर यंगर टू बी, मतलब सी है ना वो 4 साल छोटा है बी से, तो 3x माइनस 4, और डिफरेंस है ना ए और बी का वो हमें दे रखा है 4 साल, तो ए और बी का डिफरेंस 4 साल है, मतलब एक्स की वैल्यू 4 साल यहाँ में पुट करेंगे तो हमारे पास तीनों की एज आ जाएगी, लेकिन इसने बोलता है सी की 10 साल बाद, तो सी की प्रेजेंट एज कितनी आएगी भाई, 4 में 4 8 और 10 साल बाद मतलब जोड़ देंगे तो 18 साल इसकी आ जाएगी एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसने 4 ईयर हैंडसम ऑफ एजेस ऑफ ए बी विल बी 16 ईयर मोर देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, ठीक है। ये इसने बोला कि फिर आगे इसने बोला 4 ईयर है गो सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड सी इज 32 ईयर, कि ए और सी का जो सम था ना 4 साल पहले वो 32 था, प्रेजेंट में कितना हो जाएगा भाई 4 इसका 4 8 जोड़ दिया मतलब 40 आ गया, ठीक है प्रेजेंट का। आगे इसने क्या बोला था हमें 4 ईयर हम जो ए और बी की जो एज है ना, ठीक है भाई हमने मान ए बी सी एज थी प्रेजेंट में, तो फो जो ए और बी है 4 ईयर हम सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वो 16 साल ज़्यादा होगा सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी की जो प्रेजेंट एज है उससे, ठीक है। तो हमने ये किया यहाँ से हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई ए माइनस सी का डिफरेंस आ गया, लेकिन ए और सी का सम तो हमारे पास 40 था, तो यहाँ से हमने इसको सोल्व कर दिया कि वैल्यू आ गया 28। इसने पूछा क्या है हमसे
देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ सी, सी की परसेंटेज पूछी है तो सी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, हमारे पास है ना ए और सी का सम है तो ए की 28 है तो 40 में से 28 घटाओगे तो 12 साल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 21 में दे रखा है 4 ईयर है को जो रेशियो है ना शिवम एज टू दीपक एज वो इतना है तो प्रेजेंट कितना हो, 4 साल बाद है तो मतलब 4 साल पहले है तो मतलब 4 साल बाद लाने के लिए जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसने बोला रेशियो ऑफ द शिवम एज 4 ईयर है को टू दीपक एज 5 ईयर हंस, भाई जो शिवम है उसकी एज तो 4 साल पहले मतलब 2x, ठीक है, और दीपक की एज 5 साल बाद, ठीक है, तो 5 साल बाद मतलब 4 में 5 और 9, इसका जो रेशियो 8:15 है तो मतलब यहाँ से सोल्व करेंगे एक्स वैल्यू आ गई 12। प्रेजेंट एज पूछिए शिवम की तो शिवम की प्रेजेंट एज कितनी है 2x + 4, तो इसमें पुट कर देंगे हमारा आंसर आ गया 28 साल। 22 में बोला है रेशियो ऑफ द ए टू बी 2:5 है, ठीक है, बी टू सी मतलब कितना है 25:18 है, ठीक है, ये वाला जो ब्लैंक था ना यहाँ पे हमने साइड वाला नंबर पूछा ए बी सी का रेशियो आ गया। अब इसने बोला सी और डी का भी 12:13 है तो मतलब 12:13 तो ब्लैंक में साइड वाला नंबर फिल कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास ए बी सी डी इन तीन चारों का क्या आ गया रिलेशन आ गया एजेस का। डी है ना 11 साल छोटा है बी से, मतलब डी और बी में भी डिफरेंस आ गया हमारे पास 11 साल, लेकिन ये तो 66 मतलब एक्स की वैल्यू आ गया 1/6। ए की प्रेजेंट एज पूछे कितनी 120, तो 120 से मल्टीप्लाई मतलब 20 साल हमारा आंसर आ गया, ओके। 23 का है एवरेज ऑफ 6 नंबर है ना 20 है तो टोटल आ गया 120, अगर एक नंबर को रिमूव कर दिया तो एवरेज 5 नंबर का कितना हो गया एवरेज 15, तो मतलब टोटल आ गया 75, तो हटाया गया नंबर क्या होगा इनका डिफरेंस 45। 24 में बोला गया आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड नंबर बाय ए न्यू नंबर इट वाज फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए मतलब एक ओल्ड मेंबर को हटा के एक नए मेंबर को लिया है तो जो एवरेज एज था ना 5 मेंबर्स का वो ना 3 साल पहले जो एज मतलब एवरेज था उसके इक्वल होगा, हमने मान देखो टोटल में 5 थे एवरेज एक्स हो गया तो टोटल एज कितनी होगी 5x, मतलब 4 तो मेंबर थे एक ओल्ड मैन था तो उस टाइम पे टोटल एज 5x थी, फिर बाद में एक नया मेंबर लिया है तो जो एवरेज मतलब जो एज थी ना वो पहले 3 साल पहले जो एवरेज था मतलब एक्स ये प्रेजेंट का था तो 3 साल पहले एक्स माइनस 3 उसकी इक्वल हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा भाई 5 मेंबर है ना तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x - 15, दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लिया तो यहाँ से ओल्ड मैन और न्यू मैन के बीच का डिफरेंस आ गया 15, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं करना चाहते ए बी सी डी ई ये 5 मेंबर मान के भी कर सकते हो, क्योंकि बाद में जब हम 3 साल पहले जाएंगे तो भाई -3 - 3 ऐसे होगा ना तो 5 मेंबर का मतलब 15 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो आपको जो सुटेबल लगे। 25 का क्या दे रखा है एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद एम इज एन, भाई 5 इंटीजर मान लिया एम एम प्लस एन वन एम प्लस टू एम प्लस थ्री एम प्लस फोर और इनका एवरेज एन था, ठीक है, तो मतलब इनका सम किया तो मतलब 5m + 10 इज इक्वल टू भाई 5 ऊपर चला जाएगा टोटल आ गया 5n, मतलब एक टाइप से कहें तो भाई 5 हमने कॉमन लेके काट दिया तो मतलब एम प्लस टू इज इक्वल टू एन, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, या हम बोल सकते हैं एम की वैल्यू आ गई n - 2। आगे इसने बोले 6 इंटीजर जो एम प्लस टू से स्टार्ट होता मतलब एम प्लस टू एम प्लस थ्री एम प्लस फोर एम प्लस फाइव ये हमने मान ली, एवरेज क्या बता रखा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग विद इनका एवरेज हमें बताना है तो हमने ये सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास है ना एवरेज पूछा था सम इतना था, ठीक है, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो वो कट गया तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या किया एम किस गैप है हमने एन के फॉर्म में वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से हमारे पास एवरेज आ गया 2n + 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का क्या दे रखा है सम मीन ऑफ, मीन का मतलब भी हमारा एवरेज ही होता है ये याद रखना, मीन ऑफ हैंडर्ड आइटम से 46 तो मतलब टोटल हो गया 46 तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद पता चला कि 16 को हमने गलती से 61 ले लिया है और एक आइटम 43 उसको 34 ले लिया तो मतलब 61 को घटा दो क्योंकि वो गलत नंबर है और हमने 43 को 34 समझा 34 को घटा दो और जो सही नंबर थे उनको ऐड कर दिया और नंबर कितने थे अब इसने बोला नंबर भी हमारे 10 से घट गए मतलब 90 हो गए तो 90 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। आगे इसने बोला 27 में एवरेज पॉकेट मनी 3 फ्रेंड्स की है ना 80 थी तो टोटल हो गए 240 3 फ्रेंड्स थे बी ने, फिर बात आती है तो पॉकेट मनी थी फिर इसके बाद आती है स्पेंडिंग्स की बारी तो स्पेंडिंग्स भी इसने बोला कि है ना बी ने डबल स्पेंड किया सी से नहीं बी ने स्पेंड किया डबल और सी ने स्पेंड किया ट्रिपल किससे ए से तो ए एक्स है तो बी ने डबल और सी ने उसका ट्रिपल किया है स्पेंडिंग आ गई। फिर इसने बोला कि अनस्पेंड मनी 60 है अनस्पेंड मनी 60 है तो स्पेंड मनी कितनी आएगी टोटल में से अनस्पेंड घटा देंगे तो स्पेंड आ जाएगी स्पेंड हमारे पास दे रखे तो इनका सम हमारा किसके बराबर है 180 का तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई एक स्पेंडिंग्स पूछी है तो एक स्पेंडिंग्स इतनी हो जाएंगी एक्स मतलब 30 ठीक है। 28 में दे रखा है एवरेज पॉकेट मनी सॉरी हो गया था ना फिर 28 का दे रखा है एवरेज बैटिंग एवरेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर फॉर 64 इनिंग है ना वो 62 रन है मतलब टोटल करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इतना आ गया। अगर इतना हाईएस्ट स्कोर एक्सीड मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस दे दिया 180 रन
और एक्सप्लोरर दो इनिंग को हटा दें तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग इनिंग मतलब दो इनिंग के अलावा मतलब 62-64 थी, दो दो हटा दें मतलब 62 इनिंग का एवरेज 60 है, मतलब टोटल आगे इतना, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, दो इनिंग्स तो हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग का डिफरेंस आएगा 248, लेकिन ये तो आगे इनका सम, लेकिन यहाँ पे तो हमें डिफरेंस दे रखा 180 रन, तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का सम 248 है, डिफरेंस 180, यहाँ से हमने सोल्व किया तो हाईएस्ट इनिंग भी पता चल गई, लोएस्ट इनिंग भी पता चल गई कि कितने रन बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का, जो एवरेज वेट है ना ग्रुप ऑफ 20 बॉयज वो हमारे पास इतना दे रखा था, तो टोटल आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गया, फिर इसने बोला कि लेकिन बाद में पता चला कि एक वेट को हमने 78 समझ लिया इंस्टेड ऑफ 87, तो 78 घटा दो 87 जोड़ दो और टोटल नंबर वही 20 बॉयज 20 ही हैं, तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट एवरेज आ गया। 30 में क्या दे रखा है, 30 में दे रखा है हमें क्या, एक मिनट, एवरेज ऑफ ए, एक मिनट, एवरेज ऑफ एक कलेक्शन ऑफ 20 मेजरमेंट का एवरेज 56 था, तो टोटल आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन इसके बाद पता चला कि एक मेजरमेंट को हमने है ना रिकॉर्ड कर दिया 64 सेंटीमीटर, लेकिन है ना 61 होना था, मतलब 64 घटा दो 61 को जोड़ दो और 20 के 20 मेजरमेंट है, यहाँ से करेक्ट एवरेज आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे 30 किसके, एवरेज के प्रीवियस ईयर के। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।